Class 11 is the toughest year of a student's life. But what do we mean when we say tough? Is it the syllabus or subjects? Well, yes, both of them. But there are some things which are above all these and we can't just express them in words. Those are just emotions and feelings that a student feels while fighting this battle. I know you are confused, but I will try to explain you all this stuff in this video through my story of grade 11. हमारी 11th काफ़ी लेट स्टार्ट हुई थी बिकॉज बोर्ड एग्जाम्स लेट ख़त्म हुए थे, क्रेडिट्स गोज टू कोविड। अब 11th के स्टार्ट्स में स्ट्रीम सिलेक्शन के टाइम फुल कॉन्फिडेंस के साथ साइंस विथ मैथ्स लेने के बाद हम सोसाइटी की नज़रों में तो अच्छे बन गए थे, पर कभी ये नहीं सोचा था कि ये कितना टफ होने वाला है। 9th-10th में कोटा फैक्ट्री और थोड़ी और मूवीज़ और सीरीज़ देखकर हम भी IITs और NITs की तरफ अट्रैक्ट हो गए। फिर क्या था, थोड़ी रिसर्च करी एंड देन एक ऑनलाइन बैच परचेज करके हमने भी शुरू कर दी JEE की तैयारी। रेगुलर स्कूल्स इन JEE प्रिपरेशन, इसके ऊपर तो एक पूरी सीरीज़ बन सकती है। एनीवेज, सो 10th के बाद मैं सेम ही स्कूल में था एंड मैंने डमी स्कूल नहीं लिया था बिकॉज मुझे लगता था जैसे 10th तक सब कुछ मैनेज करते आए हैं, ये भी हो ही जाएगा। लाइक 10th में टॉपर थे हम। इवन 2-3 मंथ्स 11th में निकलने के बाद भी कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं दिखता रेगुलर स्कूल्स का, बट ट्रस्ट मी, जब फिजिक्स में मैकेनिक्स ख़त्म होती है और स्कूल वालों के प्रैक्टिकल्स और कॉपी सबमिशन और एग्ज़ाम्स चालू होते हैं, तब हमें पता लगता है कि हमने कितनी बड़ी गलती करी है। एंड तब तक कुछ ऑप्शन भी नहीं बचता, ना ही स्कूल वाले TC देते हैं और ना ही कोई डमी स्कूल एडमिशन देता है। पर भाई, तूने वीडियो के टाइटल में तो लिखा था कि क्लास 11th इज द टफेस्ट ईयर इन स्टूडेंट्स लाइफ, और वीडियो में तो फिर से वह हर बार की तरह डमी और रेगुलर स्कूल्स को कंपेयर करने लगा। द मेन प्रॉब्लम इन क्लास 11 इज यू सी नो रिजल्ट्स इवन आफ्टर वर्किंग हार्ड डे एंड नाइट स्टडिंग। 10th तक हम जो सिलेबस करके आते हैं उससे कई ज़्यादा सिलेबस 11th में रहता है। सब कुछ पढ़ने के बाद भी वी सी नो रिजल्ट्स, विच मेक्स अस फील सैड एंड होपलेस। ऑल्सो दिस इज द टाइम वेन यू आर एट योर पीक ईयर्स ऑफ टीनेज, वेयर यू गेट इंडल्ज इन मैनी काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, एंड इट इज़ रियली हार्ड टू कीप अस अवे फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स वेन ऑल द पीपल इन योर सराउंडिंग्स आर पार्टिंग, मेकिंग बॉयफ्रेंड्स और गर्लफ्रेंड्स, चिलिंग। यू सी योर सेल्फ प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जाम, स्टडिंग डे एंड नाइट एंड गेटिंग नो रिजल्ट्स, एंड दिस इज वेन यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड डिप्रेशन। You are working hard day and night, but still you are not getting marks in exams. Your parents are continuously asking reasons behind the low marks, but you don't know what to answer them because you too don't know why your marks are continuously decreasing in exams. You are giving your 100%, sacrificing sleep, studying hard day and night, but still no results. किसी एक एग्ज़ाम के लिए दिन रात पढ़ना या पढ़ने की कोशिश करना, स्कूल के एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए अपनी नींद को सेक्रीफाइस करना, टीचर्स के पनिशमेंट से बचने के लिए रात भर जागकर वो एक कॉपी कंप्लीट करना, ये सब हमें हसल लगता है। हालांकि है भी, बट इस सब भागदौड़ में कोई एक चीज़ पीछे छूट जाती है एंड वो है खुद के लिए टाइम निकालना। हमारी बैच जून में स्टार्ट हुई थी एंड मुझे याद है मैं भी सितंबर तक ऐसे ही फुल कंसिस्टेंसी के साथ डेली होमवर्क करता था, लेक्चर देखता था एंड क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी हो ही जाती थी। पर स्कूल वर्क और JEE की पढ़ाई में इतना व्यस्त हो गए कि ईयर एंड आते आते बहुत लो फील होने लगा एंड कभी कभी तो ये लगता था कि हम ये कर भी क्यों रहे। बट एज यू ऑल नो, JEE इज़ वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम इन दिस कंट्री एंड इसको क्रैक करना इतना आसान नहीं है, सो कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। वेल, दिस इज़ नॉट ट्रू, तुम किस तरह से प्रिपरेशन कर रहे हो ये मैटर करता है। मेरे केस में दिक्कत ये थी कि मैं न्यू थिंग्स ट्राई कर रहा था एंड बिना किसी प्लान के चल रहा था। नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि हम बैच में इनरोल हैं तो खुद के प्लान की क्या ज़रूरत है। वेल, मुझे भी यही लगता था कि हम बैच में इनरोल हैं तो उन्हीं के प्लान से चलते हैं ना, जो वो बोल रहे हैं वही करेंगे।
बट हियर आई एम टॉकिंग अबाउट होमवर्क प्लान एंड सेल्फ स्टडी प्लान। तुम कितनी भी अच्छी कोचिंग की बैच में इनरोल हो जाओ, तुम्हें टेस्ट में नंबर तब तक नहीं दिखेंगे जब तक तुम सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो। ऑल्सो उसमें तुम्हें स्कूल के लिए भी टाइम मैनेज करना है एंड जो फ्री टाइम मिले उसको अच्छे से यूटिलाइज करो, ना कि सोशल मीडिया पर दूसरों की हैपनिंग लाइफ देखकर खुद डीमोटिवेट हो रहे हो। स्पेंड सम टाइम विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, लिसन टू सम गुड म्यूजिक एंड एक्सरसाइज डेली और डू वॉट एवर यू लाइक डूइंग इन दैट फ्री टाइम। इससे तुम्हें बर्नआउट भी नहीं आएगा एंड यू विल बी मोर फोकस्ड टूवर्ड्स योर गोल। नाउ इस वीडियो से तुम क्या सीख सकते हो? वेल, इफ़ यू आर इन 10th एंड प्लानिंग टू टेक PCM एंड प्रिपेयर फॉर JEE फ्रॉम क्लास 11th, देन यू कैन लर्न टू नॉट रिपीट द मिस्टेक्स दैट आई डिड इन माय 11th एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज प्लीज लिसन टू योर टीचर्स एंड ऑल्सो रिमेंबर वन थिंग, सिलेबस इन 11th क्लास इज गोइंग टू बी टू ह्यूज, सो रेगुलर रिविजन प्लान इज मस्ट। ऑल्सो डोंट सेक्रीफाइस योर हॉबीज, एज If you are only studying, then there is high chances that you will face burnout after a few months. And for all the 11th graders watching this video, we still have 1 year for our exam. Let's promise ourselves that we will not repeat mistakes that we did in class 11 and will work hard to crack the exam.